नमस्कार, डायल 100। वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम, वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा। जबरदस्ती? कहानी सुनोगी? डरावनी कहानी है। कहने कि हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है या हमें आत्माओं से बहुत डर लगता है, लेकिन मजाल है कि कोई हॉरर मूवी आए और हम उसे ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप स्त्री 2 को ही देख लीजिए। जब से स्त्री 2 रिलीज हुई है तब से लगातार हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे। फिल्म ने तो ओपनिंग डे पर कमाई के कई रिकॉर्ड ब्रेकर बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था, और इससे पहले आई मुजिया ने भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया था। और अगर आपने स्त्री 2 देख ली है और अब आपका मन हॉरर मूवीज देखने का कर रहा है, तो हम आपके लिए ऐसी कई हॉरर मूवीज का पूरा खजाना लेकर आए जो कि OTT प्लेटफॉर्म में इजिली अवेलेबल भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो अपनी हॉरर मूवीज की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे भूत पार्ट 1 की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है भानु प्रताप सिंह ने और विकी कौशल इसमें लीड रोल में है। साथ ही इसमें भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा भी मेन रोल में हैं। ये मूवी एक सुपर नेचुरल पावर पर बेस्ड है और जिस तरह से मूवी की स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाया गया उसे देखकर कोई भी डर से कांप उठेगा। ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है हनी त्रेहान द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रात अकेली है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे लीड रोल में है। इनके अलावा श्वेता त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव और निशांत दहिया भी अहम भूमिकाओं में है। और इस मूवी की स्टोरी छोटे से शहर में एक हाई प्रोफाइल शादी के दौरान होने वाले मर्डर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वही 18वीं शताब्दी के बैकग्राउंड में बनी फिल्म बुलबुल भी हॉरर मूवी के तौर पर आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। मूवी की स्टोरी हवेली में रहने वाली बुलबुल यानी तृप्ति डिमरी के आसपास घूमती है। इस मूवी में अविनाश तिवारी, राहुल बोस और पाउली डैम जैसे सेलेब्स हैं। वही इस मूवी में बुलबुल एक यंग ब्राइड है जिनकी जिंदगी एक अंधेरे मोड़ पर तब आती है जब रहस्यमय और हिंसक घटनाएं उनके परिवार और उनके साथ होने शुरू हो जाती है, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके बाद है फिल्म परी, जिसे प्रेसित राय ने डायरेक्ट किया है और अनुष्का शर्मा इसकी प्रोड्यूसर है। इस मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसकी कहानी रुखसारा नाम की एक लड़की की, जिसका रोल अनुष्का शर्मा ने निभाया, जो कि कई विचित्र और भयावह घटनाओं की शिकार होती रहती है, और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा। और हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट मूवी है शैतान। आपको बता दें कि शैतान मूवी साल 2023 की गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। इस मूवी में अजय देवगन, आर माधव, ज्योतिका और जानकी बोधीवाला जैसे स्टार कलाकार हैं। इस मूवी की स्टोरी एक ऐसी फैमिली पर बेस्ड है जिनके ऊपर शैतान का काला साया अपना कब्जा कर लेता है। मूवी में माधवन ने शैतान का रोल प्ले किया जो अजय की बेटी पर काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है, और ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये मूवीज आपके लिए सबसे बेस्ट है और आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।